ये नहीं कि आपको एक पोजीशन, बल्कि आप तो ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए अगर आप जितनी बड़ा आपका होता है। तो सबसे पहले कानून की बालादस्ती, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं, ये नहीं कि छोटा चोर जेल में और बड़ा डाकू वजीर बन जाए और गवर्नर बन जाए। कराची में गवर्नर कितने 18 कत्ल करके बैठा हुआ है। और मैं ओहो मैं तो भूल ही गया, एचवे रोड में बैठा हुआ 234 कत्ल करके। मुझे नहीं समझ आती, मुझे अल्ताफ हुसैन की समझ नहीं आती। अल्ताफ हुसैन की पार्टी पाकिस्तान में है, पावर है मैं पाकिस्तान में, लेकिन अल्ताफ हुसैन लंदन में क्या कर रहे हैं? पार्टी आप, अच्छा चलो या तो माने ना कि आपकी पार्टी पाकिस्तान में, या तो चले आपकी आपकी आप पावर में ना हो, आप कहे कि मेरी जान खतरे में है, आपकी पार्टी पावर में बैठी है, आप लंदन में बैठे हैं, तकरीरें टेलीफोन पे कर रहे हैं, और सामने जो बैठे हैं, जो हालत है लोगों की, जो टेलीफोन सुन रहे हैं, बड़ी बर्दाश्त है उनकी वैसे, पता नहीं कैसे सुन रहे हैं। बाबर वारी को आपने देखा होगा आपने बाबर वारी को, मुझे टीवी के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैंने उससे, मैं बता रहा था, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन की, कहता है अल्ताफ हुसैन को, इमरान भाई आप कहां और अल्ताफ हुसैन कहां? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं तो आज तक कोई कत्ल नहीं किया, उसने 234 कत्ल किए हुए। फिर कहता उसने ब्लैकमेल डराने के लिए। अच्छा एक बड़ा पाकिस्तान में एक बड़ी ट्रेंड है, जैसे वो देखते हैं, क्योंकि अगला कहना कि जी आपने, मैं 5 साल असेंबली में बैठा, एक ऑपोजिशन से आता था गवर्नमेंट की तरफ के, आपने इतनी चोरी की, वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैंने चोरी नहीं की, वो कह रहे आपने भी इतनी चोरी की, थोड़ी देर में सब चुप हो जाते थे। तो अब इन्हें समझना है उसको टीवी पे कि मुझे क्या कहे, मैं क्या 234 कत्ल किया, वो मेरे ऊपर क्या कहे? तो मुझे कहता आपका तो वो सीटा वाइट का आपके ऊपर तो वो केस है, वो और तस्वीर दिखा दीजिए, लड़की की शक्ल आपसे मिलती है। अब वो टीवी पे बैठा हुआ है। अब मैं इसको क्या जवाब देता, मैं क्या बाबर वारी में अफ्रीका में चला जाऊं, 100 बच्चे तुम्हारी शक्ल के दिखा दूंगा।